दोस्तों, कैसे आप लोग? गुड मॉर्निंग, अच्छे होंगे? तो आज हम स्टार्ट करेंगे डेराइव्ड नेम। तो केमिस्ट्री में हमने देखा कि जो हाइड्रोकार्बन होते हैं उसके तीन तरह से नाम किए जाते हैं, है ना। नामकरण वो तीन तरह से किए जाते हैं। तो हम क्या कहते हैं उसको? बेसिक जो उसकी स्ट्रक्चर होती है, सामान्य नाम होता है, उसके आधार पर कहते हैं, जैसे कि उसके क्या क्या गुण हैं, या वो कहाँ से प्राप्त हुए हैं, या किस वैज्ञानिक ने खोज की, इसके आधार पर कहते हैं। नेक्स्ट आते हैं डेराइव्ड नेम, इसको बोलते हैं व्युत्पन्न नाम। अब देखो, व्युत्पन्न नाम में क्या कह जाता है कि जो कोई भी श्रृंखला है उसमें जो पहला सदस्य होता है, जो भी हाइड्रोकार्बन है उसमें जो पहला सदस्य होगा उसी के नाम के आधार पर क्या किया जाएगा, नामकरण किया जाएगा। जैसे मान लो एल्केन, पहले हम बात करते हैं जनक क्या होता है। जनक का मतलब कि जो जहाँ से स्टार्ट हुआ, जो चीज जहाँ से स्टार्ट होती है वही क्या होता है, जनक होता है, पिता होता है। आप कहाँ से स्टार्ट हुए, अपने माता पिता से स्टार्ट हुए, तो वैसे ही क्या होता है कि जो जनक होता है वो क्या होता है, जहाँ से स्टार्टिंग होती है। जैसे एल्केन है, तो एल्केन कहाँ से स्टार्ट होता है, एक कार्बन से स्टार्ट होता है। जैसे मेथेन हो गया, एल्कीन है, एक कार्बन से नहीं होगा क्योंकि उसमें डबल बॉन्ड आना चाहिए, वो डबल बॉन्ड दो कार्बन के बीच बनेगा, तो एल्कीन है वो दो कार्बन से स्टार्ट हो गया, तो उसका जनक सदस्य कौन सा हो गया, एथीन, है ना। तो देखो सबसे पहले इसमें लिखो, यह नामकरण जनक सदस्य के आधार पर करते हैं। एल्केन के लिए और एल्केन। अब देखो, आपको एक बात पता है कि भाई एल्केन आता है, एल्कीन आता है, एल्काइन आता है, तो इसमें जो इसका मतलब क्या होता है, जो एल्केन है, एल्कीन, इसका मतलब क्या होता है? तो देखो, एन इन आइन, इसका तो मतलब हो गया कि भाई कितने बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है। जो एल्क होता है, एल्क का मतलब होता है कि इसमें कार्बन कितने हैं, तो कार्बन की एक श्रेणी होती है, भाई एक कार्बन है तो मेथ, दो कार्बन है तो एथ, तीन है तो प्रोप, चार है तो ब्यूट, पांच है तो पेंट, पेंट पहनने वाली नहीं है, ठीक है, छह है तो एक्स, सात है तो एफ, आठ है तो ओक्ट, नौ है तो नॉन, दस है तो डेक। तो ये क्या होते हैं, नामकरण होते हैं। ऐसे होते हैं अनडेक, डूडेक, ट्राइडेक, ये भी आगे होते रहते हैं। तो इनके आधार पर क्या किया जाता है, इसका नामकरण किया जाता है। भाई इसमें पहला कार्बन मैथ है तो मैथ के आधार पर हो जाएगा, यदि पहला सदस्य एथ का है तो एथ के आधार पर हो जाएगा, तो हम स्टार्ट करते हैं एल्केन के। एल्केन में देखो, सबसे छोटा एल्केन कौन सा है, सबसे छोटा एल्केन, तो सबसे छोटा एल्केन है यानी कि CH4, ये क्या होता है, सबसे छोटा एल्केन होता है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, मेथेन। तो मेथेन में हम क्या करेंगे, जो छोटा नाम है, जो नामकरण है, उसमें मेन चेन किसको मानेंगे, मेथेन को मानेंगे, क्योंकि ये क्या है, इसका जनक सदस्य है, एक कार्बन वाला जनक सदस्य हो गया। तो देखो नामकरण कर लेते हैं, इसका क्या आ जाएगा, देखो इसमें मान लो या तो इसको मेन चेन ले लो या इसको ले लो, भाई दोनों में एक एक कार्बन है, किसी को भी ले सकते हैं, इसको ले लेते हैं मेन चेन, ठीक है। तो ये क्या हो गया, रेडिकल हो गया, प्रतिस्थापी हो गया मान लो, तो रेडिकल हो गया तो इसका नाम कैसे लिखेंगे, मिथाइल, मिथाइल, और ये कौन है, मेथेन। हो गया। अब मान लो ये आ जाता है, तो देखो इसमें तीन कार्बन है, एक दो तीन, हमें क्या लेना है, केवल एक कार्बन वाला है उसको मेन चेन और बाकी को जो उसका नाम होगा वो लिखना है। तो यदि इसको हम लेते हैं, इसको मेन चेन लेते हैं, तो ये क्या होगा, एथिल हो जाएगा ये, और ये मेथेन, तो एथिल मेथेन। लेकिन देखो यदि हम इसको लेते हैं,
इस कार्बन को मेन चेन के रूप में लेते हैं तो क्या होता है कि इसके ऊपर दो प्रतिस्थापी है, और हम कौन से कार्बन श्रृंखला का चेन कहते हैं जिसमें अधिक प्रतिस्थापी हो, तो हम इसमें कौन सा लेंगे, बीच वाला। तो ये तो हो जाएगा मेथेन, ये क्या हो गया डाइमेथिल, भाई दो मेथिल है तो क्या हो गया डाइमेथिल, इसका नाम हो जाएगा डाइमिथाइल मेथेन, डाइमिथाइल मेथेन। तो इसमें देखो एक रूल लिख लेना, वह नामकरण, वह नामकरण अधिक मान्य होगा जिसमें प्रतिस्थापियों की संख्या अधिक हो। तो ये किसमें हो जाएगा, एल्केन, एल्केन जो भी है उसमें ये नियम होगा कि भाई जिसमें हमें प्रतिस्थापी अधिक मिलेंगे वो नाम हमें सही करना है, और जिसमें प्रतिस्थापी कम मिल रहे तो वो नाम हमें सही नहीं करना है। अब देखते हैं एल्कीन के लिए, फोर एल्कीन, एल्कीन में पहला सदस्य दो कार्बन का सी डबल बॉन्ड सी, ये होता है एच टू एच टू, इसको हम बोलते क्या है एथिलीन, क्या बोलते हैं एथिलीन या इथाइलीन बोलते हैं, इथाइलीन, ठीक है। तो इसमें हम जो भी एल्कीन में जो भी नामकरण करेंगे उसमें क्या यूज करेंगे, इथाइलीन, जैसे CH3 CH2 डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पे CH2 आएगा, ये क्या आएगा CH आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि पांच संयोजकता हो रही है, तो कितनी हो उनसे ही चार है, ये आ गया। तो ये तो कौन सा हो गया, इथाइलिन हो गया, क्योंकि डबल बॉन्ड वाला है उसको काउंट करना है तो इथाइलिन, ये इसके ऊपर क्या है सब्स्टिट्यूट है ना, तो ये हो गया मेथिल इथाइलिन, मिथाइल इथाइलिन। एक और एग्जांपल देखते हैं, ये एग्जांपल है। तो इसमें सबसे पहले हमें क्या देखना है, डबल बॉन्ड वाला इथाइलिन, तो ये था डबल बॉन्ड वाला इथाइलिन। अब इसके साथ क्या जुड़ा है, एक मिथाइल इधर और एक मिथाइल इधर, तो क्या हो गया डाइमिथाइल इथाइलिन, डाइमिथाइल इथाइलिन। अब हम देखते हैं एल्काइन के लिए, एल्काइन का मतलब जिसमें ट्रिपल बॉन्ड हो, तो ट्रिपल बॉन्ड के लिए हमें कम से कम कितने कार्बन चाहिए, दो कार्बन, दो कार्बन के बीच ही बनेगा एक ट्रिपल बॉन्ड। तो जो दो कार्बन वाला ट्रिपल बॉन्ड का कार्बन होता है, यौगिक होता है कंपाउंड, उसे हम क्या बोलते हैं एसिटिलीन और एल्काइन, C ट्रिपल बॉन्ड C, तो इसे हम बोलते हैं एसिटिलीन। एसिटिलीन अब देखो इसके साथ जो भी ग्रुप जुड़ा होगा उसका नाम वैसे रेडिकल के रूप में, और ये कौन सा हो जाएगा एसिटिलीन। जैसे एग्जांपल ये, तो ये तो हो गया एसिटिलीन, ये हो गया मिथाइल, मिथाइल एसिटिलीन। एक और एग्जांपल,
तो हो गया एसिटिलीन ट्रिपल बॉन्ड वाला, साथ में दो मिथाइल, तो क्या हो जाएगा डाई मिथाइल एसिटिलीन। अब हम बात करते हैं एल्कोल के लिए, एल्कोल को क्या बोलते हैं, एल्कोल का देखो जो सिंबल है वो क्या होता है, OH फॉर एल्कोल। एल्कोल क्या होता है, OH। अब ये तो कोई सदस्य है नहीं पहला, ये तो सदस्य नहीं है क्योंकि इसमें कार्बन नहीं है। अब इसके साथ एक कार्बन जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एल्कोल हो जाएगा प्रथम सदस्य CH3OH। ये क्या हो गया, पहला सदस्य हो गया, इसका नाम होता है कार्बिनोल। अब जाके ये दिखाई देते तो इसको क्या लिखना है, कार्बिनोल, किसमें, डेराइव नेम में। जैसे एग्जांपल ये, तो इसमें ये तो क्या हो गया, ये कार्बन और OH, ये तो गया हमारा कार्बिनोल, ये साथ में अलग से जुड़ा हुआ, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मिथाइल कार्बिनोल। मिथाइल कार्बिनोल। नेक्स्ट एग्जांपल, इसका क्या हो जाएगा, सेम ही बात इसमें करनी है, एक कार्बन और एक OH कार्बिनोल, साथ में क्या जुड़ेगा, एक दो तीन, तीन मिथाइल, तो ये क्या हो जाएगा, ट्राई मिथाइल कार्बिनोल, ट्राई मिथाइल कार्बिनोल। क्या मान लो ऐसा है, तो ये क्या जाएगा, ये तो हो गया कार्बिनोल, ये हो गया दो मिथाइल, तो क्या हो गया, डाई मिथाइल कार्बिनोल। अब हम देखते हैं एसिड के लिए। हाँ सर, एसिड, एसिड क्या होता है, जो खट्टा होता है ना सर, कुछ कुछ एसिड को तेजाब भी बोलते हैं। हाँ, तेजाब, तो एसिड का मतलब खट्टा, खट्टे का मतलब एसिड, और इन दोनों का मतलब खट्टा एसिड है ना। तो अपने को ऐसा नहीं करना है, अपने को क्या करना है, एसिड का नामकरण करना है। एसिड क्या होता है, COOH, ये तो होता है एसिड का सिंबल। अब ये तो पूरा एक मेन जो ग्रुप है वो नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, पेरेंट ग्रुप नहीं होगा, क्योंकि इसमें देखो ये तो क्या है, पूरा एसिड का नेम है, एसिड का सिंबल है। अब इसके साथ एक और कार्बन जोड़ेंगे तो ये क्या बनेगा, एसिड का जो फर्स्ट मेंबर है वो बनेगा, और इस फर्स्ट मेंबर का नाम होता है एसिटिक एसिड, इसलिए इसका नाम होता है एसिटिक एसिड। अब देखो इसके साथ जो भी जुड़ेगा उसके पीछे में क्या लगाना है, एसिटिक एसिड। जैसे एग्जांपल लेते हैं, तो ये तो अपना क्या है, एसिटिक एसिड, साथ में क्या जुड़ा हुआ है, मिथाइल, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मिथाइल एसिटिक एसिड। मान लो इसकी जगह आ जाए, तो क्या हो जाएगा, डाई मिथाइल एसिटिक एसिड।
लो ये आंसर, तो क्या होगा, ये तो अपना हो गया एसिटिक एसिड, ये क्या हो गया डाइमिथाइल, नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये पूरा एक कल है, अलग अलग नहीं है, तो इसको क्या बोलेंगे, इथाइल, इथाइल एसिटिक एसिड। नेक्स्ट आता है कि जो एरोमेटिक रेडिकल होते हैं उसका जो नोमेनक्लेचर है वो कैसे किया जाता है, एरोमेटिक का मतलब बेंजीन वाला ना, जिसमें वो चारों नियम अप्लाई होते हैं, कौन कौन से, एक तो उसमें कंजुगेशन होना चाहिए, एक वो साइक्लिक होना चाहिए, एक वो प्लेनर होना चाहिए, और एक हक्कल जूल का पालन करना चाहिए ना, सी सी पी एच, ये चार रूल है उसके लिए लागू होने चाहिए। तो नेक्स्ट आता है एरोमेटिक रेडिकल, तो ये कौन होता है, बेंजीन, कौन होता है, बेंजीन, इसके दो वर्ड नाम होते हैं, एक तो इसको बोलते हैं एरीन, एरीन बेंजीन और फिनी, फिनी वो सक्रेंच पे खाते हैं गेवर के साथ, वो वाले नहीं है, फिनी, ठीक है। अब इसमें हमें क्या बनाना है, रेडिकल, रेडिकल बनाने के लिए एक हाइड्रोजन है वो हटाना पड़ेगा, तो माइनस हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन है वो कहीं से भी हटा सकते हैं, यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से, क्योंकि कहीं से भी हटाओ पोजिशन वो सेम ही बनेगी, तो ये बनेगा कुछ ऐसा, बन गया। तो इसका नाम क्या होता है, फिनाइल, क्या होता है, फिनाइल, फिनी से फिनाइल। और एक और नाम होता है एरीन है, तो क्या हो जाएगा, एराइल। इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, एक तो पीएच या इसको फाइव, इससे क्या किया जाता है, इसको लिखा सकता है, यदि मान लो आपको कहीं पे पीएच लिखा मिल जाए या फाइव लिखा मिल जाए तो मतलब क्या है, फिनाइल है। अब देखो किसी के मन में आ रहा होगा कि बेंजाइल भी तो बोल सकते हैं, तो बेंजाइल इसको नहीं बोलते, बेंजाइल किसको बोलते हैं वो देखते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, टोलुइन, टोलुइन बोलते हैं। तो जो टोलुइन होता है इसमें से एक हाइड्रोजन माइनस करेंगे, हाइड्रोजन कौन सा माइनस करेंगे, यहाँ वाला जो सी एस थ्री के साथ है उसको माइनस करेंगे, ये होगा, इसे हम क्या बोलेंगे, बेंजाइल। इसमें से एक और माइनस कर दो, एक हाइड्रोजन बच गया, तो एक हाइड्रोजन बचता है इसे बोलते हैं बेंजल, एंजल नहीं है, बेंजल, कहीं आप जेक नाइट वाला बेंजल एंजल गाना है वो गाना स्टार्ट ना कर दे, एंजल एंजल है ना, तो ये क्या है, बेंजल। अब इसमें से एक और हाइड्रोजन बच गया, इसको भी हटा दे, तो ये लौटा दिया, ये इसको हम बोलते हैं बेंजो, बेंजो कोई मूवी में भी है क्या, हैं, रितेश देशमुख की कोई मूवी है क्या बेंजो, हाँ तो वो ही बेंजो है, ठीक है। आपको पूछ ले कि भाई रितेश देशमुख का फोटो बताओ, तो ये बता देना भाई ये बेंजो है। अब देखो इसके अलावा यदि मान लो हम यहां से हाइड्रोजन हटा दे, इस सी से नहीं हटा के इस रिंग से हटा दे, तो क्या होगा, इसको क्या बोलते हैं, टोलुइन। अब देखो इसमें से यहां से हाइड्रोजन हटाते हैं, ठीक है,
माइनस हाइड्रोजन। अब देखो इसमें तीन पोजीशन बन सकती है, सही हो सकता है यहाँ मुक्त हो जाए, तो ये क्या हो जाएगा ऑर्थो टोलाइनर। यदि मान लो यहां से हो जाए, यहां से तो क्या हो जाएगा पैरा नहीं मेटा टोलाइनर। यदि मान लो यहां से हो जाए, यहां से तो इसे हम बोलेंगे पैरा टोलाइनर। तो ये हो गया आपके डेराइव्ड नेम, कर लो इसको नोट। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे आईयूपीएसी।